तो दोस्तों हम कर रहे हैं गंगोत्री टू बांग्लादेश की साइकिल यात्रा, गंगा स्वच्छता का एक अभियान। उसमें 11वें दिन हम पहुंचे हैं वाराणसी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके दशाश्वमेध घाट से लेकर नमो घाट तक सारा घाटों का वर्णन मैंने पिछले वीडियो में किया है। उसके बाद मैं निकला हूँ सारनाथ के लिए। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि वाराणसी से सारनाथ कैसे जाने का और सारनाथ जाने के बाद आप वहाँ क्या क्या देख सकते हो, कैसे विजिट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं गंगोत्री टू बांग्लादेश के इस वीडियो में हम देखेंगे सारनाथ। तो दोस्तों बैटरी रिक्शा से मैं आया अपने काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर की तरफ अभी, क्योंकि कोई भी साधन घोड़ी जो नाव चलती है वो नहीं मिल रही थी। तो अब काशी विश्वनाथ के उस साइड से वहाँ से ऑटो करके हम जाएंगे सारनाथ की तरफ। अगर आप वाराणसी आते हो तो सारनाथ जरूर घूमना चाहिए। तो चलते तो सारनाथ जाने के लिए वाराणसी के जो मंदिर का चौक है वहाँ से पांडे नगर का ऑटो करके अभी हम जा रहे हैं पांडे नगर, और पांडे नगर से फिर जाएंगे सारनाथ की तरफ। टोटल डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर का है और पांडे नगर आता है 4 किलोमीटर, फिर पांडे नगर से 6 किलोमीटर बाद में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं सारनाथ। तो दोस्तों आ गए हम पांडेपुर या पांडे नगर, नहीं पांडेपुर में, और पांडेपुर के इस चौरा से अभी जाएंगे हम सारनाथ की तरफ। तो वाराणसी से सारनाथ आप 40 रुपए में आ सकते हैं। कैसे? वाराणसी से मैं अभी आया है पांडेपुर, और पांडेपुर से सारनाथ का जो ऑटो है वो 20 रुपए में हम जा रहे हैं सारनाथ। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें देखा है कि आप 200 रुपए की गाड़ी कीजिए, 300 रुपए की गाड़ी कीजिए, तो पता है कि 500 रुपए की, तो कोई जरूरत नहीं इतनी गाड़ी की। 20 रुपए का पांडेपुर और 20 रुपए से सारनाथ, ऐसे 40 रुपए में हम सारनाथ पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं सारनाथ नगरी की दर्शन करते हैं। तो लगभग आधे घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए दोस्तों सारनाथ। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुछ तो भी पार्क है सारनाथ का, तो देखते हैं, शुरू करते हम इधर से अभी सारनाथ। तो दोस्तों आ गए हम इस सारनाथ के प्रमुख। सारनाथ के बारे में अगर बोला जाए तो भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित 4 प्रमुख जो बौद्ध तीर्थ स्थल है उसमें से ही ये एक है। इसी स्थान पर बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्यों को यहीं पर पहला धर्मोपदेश दिया, जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध साहित्य में वर्णित है। अभी जो हम देखने जा रहे दोस्तों वो है अशोक स्तंभ का पिलर। सम्राट अशोक ने जो चक्र बनवाया था वही अपने तिरंगे का प्रतीक है, और आप जो देख रहे हैं इन्हीं पिलर पे वो प्रतीक खड़ा है, और ये पिलर के ऊपर का हिस्सा संग्रहालय में रखा गया है जो हम आगे देखेंगे। और वो चौखंड स्तूप वही क्या फिर? चौखंड स्तूप यहाँ 250 मीटर आगे। यही पर स्वयं भगवान बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना भी की थी। बौद्ध ग्रंथों में इस स्थान के लिए ऋषि पतन अथवा इसी पतन एवं मृगदाव अथवा मृगदाय आदि नाम उल्लिखित थे। इसका आधुनिक नाम निकटस्थ महादेव मंदिर सारंगनाथ मतलब मृगों के स्वामी इससे पड़ता है। जैन धर्मावलंबियों के लिए भी 11वें तीर्थंकर श्रेयांश नाथ की तपस्थली होने के कारण सारनाथ समान रूप से पवित्र तीर्थ है, मतलब ये जैनों का भी है और बौद्धों का भी है। सर्वप्रथम सन 1798 में डंकन एवं कर्नल मैकेंजी ने इस स्थान के पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात विभिन्न उत्खननकर्ताओं ने अनेक चरणों में यह उत्खनन कार्य किया। ये जो आप देख रहे दोस्तों ये है मूल गंधक कुटी। ये संभवतः भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का एक भग्नावशेष है। यहाँ पे एक विशाल मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब वो उसके हम अवशेष देख रहे हैं। चीनी जो यात्री थे हेवेन सांग, इनके अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर थी। बहुत ही विशाल मंदिर रहा होगा वो।
इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज ही की जा सकती है और 18.5 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। स्थापत्य अलंकृत ईंटों की सज्जा शैली के आधार पर यह गुप्त काल में निर्मित प्रतीत होता था। ऐसी ये मूल गंधा कुटी हम अभी ऊपर चढ़ के देखेंगे। हाँ, ये जो अभी इधर है, ये जो खंभे आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये उस मंदिर के ही भग्नावशेष आप देख रहे हैं। वो जो ऑनलाइन टिकट निकलता है इसका दोस्तों, इसके लिए 20 रुपये का टिकट है और ऑनलाइन ही टिकट निकलता है। ऑफलाइन टिकट या ऐसे 20 रुपये दे के टिकट नहीं मिल सकता इसका। तो मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि भाई अंदर क्या है देखने का, बोले कुछ नहीं सर, खंडर है और बस खंडर ही है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस लगा कि जो सिक्योरिटी गार्ड है इस पूरे मोनूमेंट का, उसको भी ये पता नहीं कि इसका महत्व कितना है और अपने इस धरोहर का, जो गौतम बुद्ध अपने भारतवर्ष में जन्मे, जिन्होंने भारतवर्ष से शुरुआत की और जब उनको पूरा ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पूरा बौद्ध धर्म उन्होंने सारे जग भर फैलाया। ऐसा उनका ये प्रमुख तीर्थों में तीर्थ क्षेत्र में से प्रमुख ये सारनाथ तीर्थ क्षेत्र। भगवान बुद्ध अपने ज्ञान और निर्वाण के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य में सारनाथ आए थे। उन्होंने हिरण पार्क में अपना पहला उपदेश भी दिया था, वो जगह सारनाथ में है जो हम आगे देखेंगे, चौखंडी स्तूप में है। धर्म के इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए महान सम्राट अशोक ने यहाँ कई स्तूप और मठ बनवाए। एक प्रमुख बौद्ध गंतव्य होने के अलावा सारनाथ जैन धर्म का भी प्रमुख धार्मिक स्थल। तो दोस्तों, पार्क घूमने के बाद हम आए हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ सारनाथ। इसका टिकट है 5 रुपये और जो पार्क में हम जो घूमे अभी उसका टिकट था 20 रुपये, और ये दोनों भी टिकट्स ऑनलाइन आपको लेने पड़ते हैं। और ऑनलाइन टिकट लेके अभी हम घूमेंगे ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हम देखेंगे अशोक स्तंभ के जो 3 पत्थर वहाँ पे रखे थे, बाकी का जो हिस्सा है वो इस म्यूजियम में रखा है। तो देखते हैं हम। सारनाथ के इस म्यूजियम में शूटिंग और मोबाइल अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं अंदर का नहीं दिखा पाया, लेकिन अंदर जो अशोक स्तंभ है वो बहुत ही दोस्तों, सारनाथ का जो पुरातत्व संग्रहालय है वहाँ आप ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि अपने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो तिरंगा में जो चक्र है अशोक चक्र, उसका जो ओरिजिनल जो सिंह और वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। और सही में वो देख में हैरान हो गए, सम्राट अशोक के काल का वो चक्र हमको वहाँ देखने को मिलता है। हालांकि उसका कुछ तो भी खंडन हुआ है, उसको स्टैचू का थोड़ा सा जो सिंह की प्रकृति प्रतिकृतियाँ है जो अशोक चक्र है उसका थोड़ा वो खंडित हो गए, लेकिन जो ओरिजिनल है वो हमको इधर सारनाथ में देखने को मिलता है। तो अभी पुरातत्व संग्रहालय देख के अभी हम जा रहे हैं चौखंडी स्तूप देखने के लिए, जो पुरातत्व संग्रहालय से ही लगभग 0.5 किलोमीटर की दूरी पर चलते। तो पुरातत्व संग्रहालय देख के अभी हम जा रहे हैं वट थाय सारनाथ, जो बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा नज़र आती है वो यहीं पे, ये देखिए आप। थाई मंदिर सारनाथ में एक प्रसिद्ध आकर्षण है जो यहाँ की वास्तुकला की शैली को प्रदर्शित करता है। मैं बता दूं दोस्तों कि यह मंदिर सुंदर बगीचों के बीच बना हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटक एवं तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शांत और शांतिपूर्ण प्रदान किया जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों यहाँ पे आकर। आगे आने के बाद ऋषि पत्तन मार्ग पे ही पड़ता है चौखंडी स्तूप।
चार भुजाओं वाले आधार पर बनी यह ईट निर्मित विशाल संरचना वस्तुतः एक बौद्ध स्तूप है। गुप्त काल में बना यह स्तूप संभवतः उस स्थान विशेष का द्योतक है जहां बोधि प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध की भेंट सर्वप्रथम पंचवर्गीय भिक्षु से हुई थी। इस स्तूप का उल्लेख 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग ने अपने यात्रा विवरण में भी किया है। 1835 तथा 1904-1905 में कराए गए पुरातात्विक उत्खनन द्वारा इस स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 93 फीट है, जो क्रमशः ऊपर की ओर आकार में घटते हुए। दोस्तों, इस स्तूप के शिखर पर सुशोभित अष्टपहल बुर्जी की एक मुगलकालीन संरचना है, जिसके उत्तरी द्वार पर एक अरबी शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण इस स्थल पर हुमायूं के आगमन को अविस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से राजा तोडरमल ने अपने पुत्र गोवर्धन द्वारा 1588 में करवाया गया। तो दोस्तों, चौखंडी स्तूप देख के सारनाथ का साइट सीन पूरा हो गया अपना। वैसे सारंगनाथ मंदिर भी जाते हैं, लेकिन वो यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो सारनाथ का वीडियो में यही एंड करता हूँ। अपनी गंगोत्री टू बांग्लादेश ऑन साइकिल यात्रा में मैं सारनाथ घूमने आया था, और सारनाथ में आप कहाँ कहाँ क्या क्या देख सकते हो, कैसे घूम सकते हो, ये दिखाने की कोशिश मैंने की। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए मेरे साथ पूरी गंगा की यात्रा, गंगोत्री टू बांग्लादेश। हर हर महादेव, हर हर गंगे। सब्सक्राइब जग वेंचर जी। धन्यवाद।